चला है रेस्टोरेंटों में। मामला में ऐसे है जी के अभी जो है मिट्टी भी महंगी है। मेन बात अभी जो मिट्टी की ट्रोली पहले आती थी 3,000 की, वो आ रही है 6,500 की, क्योंकि खेत वाले भरने नहीं देते। चिकनी मिट्टी, खेत खराब हो जाते तो पैसे मुंह मांगे देना पड़ता है। अगर मटकी बनानी हो तो पैसे दो, नहीं बनानी हो तो मिट्टी मत लो और क्या। तो इसलिए थोड़ी मिट्टी महंगी आ रही है। रही बात अभी लकड़ी जो है वो भी महंगी, लकड़ी भी ना पकती नहीं है, लकड़ी से पकानी पड़ती है, और पकाने के बाद भी फिर वहाँ से लाओ तो अभी डीजल बढ़ गया, तो टेम्पो बस वाला जो भी है वो जिस भी साधन में लाओ किराया बढ़ गया। किराया पैसे 300 रुपये था माकड़ वाली, किराया अभी 700 रुपये है, डबल हो गया डायरेक्ट। और मटके के जो कारीगर है बनाने वाला है वो मटकी के पहले लेते थे 30 रुपये बनाए गए, अभी कर दिए 40 रुपये, और 40 रुपये वाली मटकी में खर्चा आ जाता 20 रुपये का, वो बच जाती 60 रुपये की, यहाँ आके वो 80 रुपये की बिकती है और उसमें फूट टूट भी हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब हमारे को में मात्र 10 रुपये मटकी से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और उसमें भी रही बात अब की, हाँ सीजन ठीक है, मटके बिक रहे हैं लेकिन माल नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये हो रही है। अब की जो है हर साल से माल अच्छा बिकता था लेकिन माल ही नहीं है तो क्या बेचेंगे। और नवरात्रों को जो देखते हुए हैं कि अब की इस साल बहुत ही कम माल बिका है। यानी कहने का मतलब मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ और ज़्यादा माल में खरीदता नहीं, बल्कि 8-10 हज़ार का खरीदा मैंने, फिर भी उनमें से कल हिसाब लगाया 9,000 का माल पड़ा ही रह गया, 1,000 रुपये का ही माल बिका मेरे। ये हालात, नुकसान अभी पड़ा ही है, मगर पिछले साल नवरात्र तक इनको वापस ले जाके बेस्टमेंट में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में लाके उनको पिछले साल संभालना पड़ेगा। आपका नाम? नाम रामचंद्र प्रजापति, गांव माकड़वाली। मिट्टी का कार्य है जिसमें हम मटकियाँ खरीदते हुए बेचते हैं, इनका काम करते हैं। और अब की बार जो मटकियाँ हैं वो आगे से बट थोड़ी महंगी आ रही है, अभी थोड़ा माल कम आ रहा है। इस बार सीजन का थोड़ा माल बिक्री ठीक रहा, नवरात्र हमारे थोड़े ठीक नहीं रहे, बट अभी गर्मियों का जो सीज़न चल रहा है मटकियों का अच्छा है। अभी हमारे नई मटकियाँ आई है जोधपुर की, वो भी अच्छी क्वालिटी की बढ़िया मटकियाँ हैं, और इसमें आगे से थोड़ी महंगी है, बट ग्राहक ये चीज़ समझते नहीं है कि महंगी आ रही है, पर रेट वही मांग रहे हैं। अभी बनाने वाले कम है इसलिए थोड़ी महंगी है, माल कम बन रहा है इसलिए महंगी आती है मटकियाँ। और कैसे मटकियाँ अभी आ रही है हमारे 100 रुपये की पड़ती है, हम 120-130 रुपये की बेचते हैं, और भी छोटी मटकी आती है हमारे 80 रुपये की, जो हम 100 रुपये की बेचते हैं। हमने वाली मटकी हमारे पे 130 रुपये की आती है, 150 रुपये की हम बेचते हैं। अच्छा, ये नवरात्रों का माल जो अभी बचा है अभी भरा हुआ है, कम बिका इस बार, बट ये हमारी तो चीज़ ऐसी है कि ख़राब होने वाली तो है नहीं, आगे नवरात्रों में कम आ जाए। लेकिन हर बार नुकसान होता है? नुकसान तो फिर होता ही है। ठीक, आपका नाम? गजानंद प्रजापति।